आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के विषय में, जो कि अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। तो ये वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है? तो FATF का गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन अर्थात OECD के मुख्यालय में स्थित है। वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य हैं। आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाले देश को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।